हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेमंत किंडरगार्टन कॉन्वेंट स्कूल। इन दिस वीडियो वी विल रीड मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास फर्स्ट। गार्जियंस शुड टीच चिल्ड्रेन लिटिल बाय लिटिल, टीच वन टॉपिक इन ए डे, डू नॉट पुट टू मच एम्फेसिस ऑन चिल्ड्रेंस माइंड। यानी कि आप लोगों को बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, उनके दिमाग यानी माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। डोंट रोट चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को रटाइए मत, रट्टा मत मरवाइए। गिव प्रैक्टिकल नॉलेज टू चिल्ड्रेन मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज देने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास वन का मैथ। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको यानी गार्जियंस को देखना है, और गार्जियंस को देख के बच्चों को साथ साथ पढ़ाते रहिए। और या तो अगर बच्चा मान लीजिए फर्स्ट में चला गया है तो हो सकता है कि बच्चा अच्छे से समझ ले। अगर समझ नहीं पाता है तो अपने पापा या मम्मी किसी भी से पूछता है तो उनकी सहायता ज़रूर करिए, क्योंकि बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ में देखिए काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। देखिए ये सब चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिव्यू। क्या है रिव्यू? तो रिव्यू का मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन यानी जो हमने नर्सरी LKG UKG में पढ़ लिया है उसी का आज हम करेंगे रिवीजन कुछ एक्सरसाइज के रूप में। अब यहाँ पे देखिए हमने नर्सरी और LKG, जैसे आपका बच्चा अगर फर्स्ट में है तो हम अगर नर्सरी और LKG और UKG के वीडियो को डाल रहे हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप बच्चे को अगर चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे फिफ्थ में हो, आप बच्चे को नर्सरी LKG UKG सारे के सारे वीडियो दिखाइए, ताकि अगर बच्चे के अंदर मान लीजिए नर्सरी LKG UKG में से कुछ कमी, थोड़ा भी कमी रहा हो तो वह दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड राइट मतलब अंडरस्टैंड यानी समझिए और राइट मतलब लिखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया है फिल द ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरिए विथ बिग आर स्मॉल। इसमें से बिग कौन सा है, स्मॉल कौन सा है? अब देखिए यही बात हो गई कि यहाँ क्लास फर्स्ट में आते ही हम बता देंगे कि यहाँ पे आपको भरना है बिग और यहाँ पे आपको भरना है स्मॉल। ठीक है, क्योंकि ये जो बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। और यही चीज़ें हमने नर्सरी में क्या किया था, पूरा मतलब आप लोगों को पूरा नॉलेज दिया था समझा समझा के, लेकिन यहाँ पर हम बताते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बिग और स्मॉल में, इन दोनों में बिग और स्मॉल कौन है? बिग जो है ए है और स्मॉल कौन है, ए है। तो ये बच्चों का टेस्ट है, क्योंकि बच्चे ये नर्सरी LKG UKG में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए फिल द ब्लैंक विथ लाइट आर हैवी। लाइट माने हल्का होता है, हैवी माने भारी होता है। अब इन दोनों में हल्का भारी कौन कौन सा है, तो आप बताएँगे कि दिस इज ए लाइट एंड दिस इज ए हैवी, दिस इज ए लाइट एंड दिस इज ए हैवी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं फिल द ब्लैंक विथ टॉल आर्ट शॉर्ट। टॉल माने होता है लंबा और शॉर्ट माने होता है छोटा। अब यहाँ पे देखिए लंबा यानी टॉल ए है और इस शॉर्ट ए है, यहाँ पे टॉल ए है और शॉर्ट ए है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं फिल द ब्लैंक विथ थिक आर थिन। अब देखिए थिक मीन्स होता है मोटा और थिन मीन्स होता है पतला। तो आप बच्चों से पूछेंगे थिक मीन्स क्या होता है, तो बच्चा मोटा बता देगा, क्योंकि वह नर्सरी LKG UKG में ही पढ़ा है। क्योंकि मैंने देखा कि नर्सरी के मैथ में सबसे पहले यही सब दिया है, और LKG के भी मैथ में वही दिया है, UKG के भी मैथ में वही दिया है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा जैसे नर्सरी में समझाया गया, मान लीजिए बच्चों को नहीं आया तो LKG में आ जाएगा, UKG में आ जाएगा। अब फर्स्ट में फिर रिविज़न के तौर पर दिया है, अगर वहाँ तक भी नहीं आया तो फर्स्ट में आ जाएगा। थिक और थिन में देखिए, ये थिक है यानी मोटा है, ये थिन है यानी पतला है, ये थिक है यानी मोटा है, ये थिन है यानी पतला है। इसका फिर आगे चलते हैं फिल द ब्लैंक विथ मोर आर लेस। मोर का मतलब होता है अधिक और लेस का मतलब होता है कम। अब बच्चे से पूछिए इसमें मोर कौन सा है,
तो देखिए इसमें मोर लेस, मोर लेस यानी जिसमें ज़्यादा पानी है वो मोर वाटर है, जिसमें कम पानी है वो लेस वाटर है, उसी प्रकार से ये भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टिक फॉर द स्मॉलेस्ट पिक्चर, मतलब इस चारों में से जो छोटा पिक्चर है उसको आपको टिक करना है। तो चारों में से सबसे छोटा पिक्चर कौन है? फ्रॉग का है, तो उसी को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए इन चारों में से सबसे छोटा फिगर कौन है? तो हैट है या कैप है, तो इसको टिक कर देंगे। इसी तरीके से देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 आ गया, इसमें बोल रहा है काउंट द गिवन लीव्स, मतलब पहले जो नीचे दिया गया दी गई पत्तियां हैं उन्हें क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। और सर्कल द करेक्ट नंबर, मतलब सर्कल द करेक्ट नंबर यानी जो करेक्ट नंबर है उसी पे आपको क्या कर देना है? एक सर्कल कर देना है। गिव ऑप्शन बिसाइड, फॉर एग्जांपल ए इच डन फॉर यू, मतलब एग्जांपल ए देखिए वो दिया है, जैसे 1 2 3 4 फोर लीव्स हैं, तो फोर पे क्या कर देंगे? गोला। मान के चलिए कि ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है, यानी फोर ऑप्शंस चूज वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो फोर को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसमें से किसको सर्कल करेंगे? 3 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इसमें से किसको चूज करेंगे? 5 को। उसके बाद देखिए 1 2, तो यहाँ पे 2 को। उसी प्रकार से आपका यह जो है होमवर्क है, इसको गार्जियन बच्चे को स्वयं से करवाएं और पूछें कि बच्चा देख, अगर ऊपर वाला सारे क्वेश्चन अगर बच्चा समझ गया होगा, लर्न कर लिया होगा, तो इस क्वेश्चन को भी वह सही सही जवाब देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, और राइट द प्रीसेडिंग नंबर। तो देखिए दोस्तों प्रीसेडिंग नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको इसको बच्चे को समझाना है कि PRE प्री, और प्री माने होता है पहले, प्री माने क्या होता है? पहले। प्री माने होता है पहले, तो प्री माने पहले होता है, यानी प्रीसेडिंग नंबर मतलब होता है पहली वाली संख्या यानी पिछली संख्या। जैसे अगर यहाँ पे 4 है तो इसके पहले की संख्या 3 होगी, यहाँ पे 7 है तो उसके पहले की संख्या जो होगी वही प्रीसेडिंग नंबर होगी, यानी 7 के पहले क्या आएगा? 6। वैसे 12 है, 12 के पहले क्या आएगा? 11। 16 है तो उसके पहले क्या आएगा? 15। तो ये होता है प्रीसेडिंग नंबर। इसी तरीके से आप बच्चों से होमवर्क के तौर पे इन सबको क्या करेंगे? पूछेंगे कि बेटा प्रीसेडिंग नंबर क्या होता है बताओ। जैसे आप पूछेंगे बेटा 9 का प्रीसेडिंग नंबर बताओ, तो 9 के एक पहले जो आता है वही प्रीसेडिंग नंबर होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको, राइट द सक्सेसर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर इन द स्पेस गिवन, मतलब जो खाली स्थान दिया गया है उसमें सक्सेसर को भरना है, और सक्सेसर मतलब होता है अगली संख्या। जैसे 4 है, 4 के बाद अगली संख्या जो आएगी क्या होगी? 5। 9 है, 9 के बाद जो अगली संख्या आएगी क्या होगी? 10। 13 है, 13 के बाद जो अगली संख्या आएगी क्या होगा? 14 होगी। 17 है, 17 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा क्या होगा? 18 होगा। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट नंबर जो मतलब आएगा वही सक्सेसर होगा, और जो प्रीवियस नंबर आएगा, प्रीसेडिंग मतलब जो प्रीवियस नंबर आएगा वही आपका क्या होगा? प्रीसेडिंग नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, राइट द बिटवीन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी बिटवीन मतलब होता है बीच के नंबर को, मिड नंबर यानी बीच का नंबर। अब देखिए जैसे 5 है और 7 है, इसके मिड नंबर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 8 है और 10 है, तो इसके मिड का नंबर क्या होगा? 9 होगा। 14 है, 16 है, तो मिड का नंबर क्या होगा? 15 होगा। 19 है, 21 है, तो मिड का नंबर क्या होगा? 20 होगा। उसी प्रकार से इसको आपको होमवर्क के रूप में करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिल द ब्लैंक विच विथ ग्रेटर देन लेस देन
इक्वल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कि आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल तीनों को भरना है। यहाँ पे जो भी निशान भराएगा उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए पहले दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो देखिए ग्रेटर देन का निशान ये होता है, ग्रेटर देन जिधर मुँह चौड़ा होता है वो बड़े की तरफ रहेगा और जिधर मुँह पतला होता है वो छोटे की तरफ, यानी स्मॉल की तरफ, बिग और स्मॉल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 5 और 3, तो अब यहाँ पे मैं ऐसे निशान अगर लगाता हूँ तो यह क्या है, सही है, क्योंकि 5 is greater than 3, यानी 5 बड़ा है। इसीलिए देखिए जो जिधर मुँह खुला है, बड़ा मुँह है, उसको 5 की तरफ कर दिया। अगर यही 5 और 3 में मैं इस तरीके से निशान लगा दूँ तो यह क्या होगा, गलत होगा, दिस इज ए रॉन्ग। तो आपको याद रखना है कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल को कैसे लगाना है। आप देखिए यहाँ पे दिया है 5 और 3 दिया है, तो 5 greater है तो इस तरीके से निशान लगा। 8 और 10 दिया है, 10 greater है तो 10 इस तरीके से। उसके बाद में 7 और 7 क्या है, इक्वल है तो इक्वल। अब देखिए 12 और 18 में क्या है, तो यहाँ पर इस तरीके से। और 26 21, ठीक है, तो 26 greater है तो इस तरीके से। 10 और 14, तो 14 greater है तो इस तरीके से। 19 और 16, तो इस तरीके से। 21 और 17, तो इस तरीके से। 37 37 दोनों इक्वल हैं तो इस तरीके से। अब इस तीनों को आपको होमवर्क के रूप में करके इसी व्हाट्सएप नंबर जो 9616963528 है, इसी पे क्या करना है, सेंड करना है। तो दोस्तों मैथ का यह पहला क्लास आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं। और मैथ के टीचर रामकेश सर हैं, लेकिन मैं हेमंत, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हर एक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।